उस समय आप लोगों की जगह पर आप सामने हैं, आप देख रहे हैं। सभी अखाड़ों के जय श्री राम, जय श्री राम। और कुछ सभी साधु संतों का आप सम्मान करेंगे, आशा है। हम पुनः एक बार दोनों हाथ उठा करके ये। और क्या कार्यक्रम हुआ है पूरा? स्वामी बलबीर गिरी जी को यहाँ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है, जो नरेंद्र गिरी जी महाराज की इच्छा थी उसी के अनुरूप ये सारा कार्यक्रम चला है। और हमने भी उनके लिए कहा है कि आगे और उत्तरोत्तर इसकी वृद्धि करो और गुरु का नाम रोशन करो। पर क्या कार्यक्रम था आज सुबह? पहले क्या हुआ उसके बाद? पहले संतों के प्रवचन हुए, श्रद्धांजलि हुई, सबने अपने अपने वक्तव्य दिए और सबने उनके प्रति श्रद्धा के फूल नमन किया उनको। उसके बाद फिर अभी पटाभिषेक के बाद अभी भोजन भंडारा होगा। ठीक है। अब मतलब कि वो लेटे हुए बजरंगबली का मंदिर भी और पूरे, पूरे 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 जितने भी इस संस्था से जुड़े हुए जितने भी मठ हैं और मंदिर हैं सबके वो उत्तराधिकारी हैं। अच्छा, जहाँ समाधि स्थल है वहाँ उन्होंने पूजा भी किया है, नमन भी किया है अपने? जी जी, अपने गुरुओं को कौन नहीं नमन करता है। जो शिष्य है, अच्छा शिष्य है, वो तो गुरुओं को हमेशा ऊपर उठाता है ना। क्या वो मठ के उत्तराधिकारी के साथ ही निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष भी बना दिया? नहीं नहीं, ये उनके आंतरिक विषय है निरंजनी अखाड़े का, लेकिन मठ के तो जूना मठ के जूना अखाड़े ने निरंजनी पूरे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के पद के लिए दावेदारी ठोकी है कि उन्हें। अभी ऐसा नहीं है, अभी 13 अखाड़े जब इकट्ठे नहीं होंगे तब एक आदमी थोड़ी ना अपने आप अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है महाराज। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।